थाना अधिकारी और हेड कांस्टेबल को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। थाना अधिकारी बाबूलाल और हेड कांस्टेबल रामधन पुलिस थाना बठेना जिला टोंक को किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर इकाई में परिवादी द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। परिवादी की ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने और मुकदमे में कार्यवाही हल्की करने के एवज में थाना अधिकारी बाबूलाल और उनके हेड कांस्टेबल रामधन के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। 15,000 देने के बाद भी परिवादी की ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ा नहीं गया, बल्कि उसे 15,000 रुपए और देने के लिए दबाव बनाने लगे। उसे बार बार परेशान किया जाने लगा, तब परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इकाई में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। परिवादी की शिकायत का सत्यापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर इकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सुरेश कुमार शर्मा के द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया। इसका सही होना पाया गया। कार्यवाही को अंजाम देते हुए उनकी टीम द्वारा थाना अधिकारी बाबूलाल, पुत्र भवरलाल खटीक, थाना गेगल जिला अजमेर, हाल उपनिरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना बनेठा जिला टोंक और रीडर हेड कांस्टेबल रामधन पुत्र कल्याण राम निवासी पिपलिया थाना चौक का बरवाड़ा सवाई माधोपुर को रंगे हाथ 15,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया। पूर्व में परिवादी से 15,000 रुपए ले लिए गए। एसीबी की टीम द्वारा आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों की तलाश की जा रही है। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।